नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में आज से शुरू लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइंस हुए जारी। पटना हाईकोर्ट ने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में आपस में ही बट गई महागठबंधन। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए पटना एम्स में 20 बेड का वार्ड तैयार। कोरोना काल में कम कीमत पर दवा उपलब्ध करा रही है जन औषधि केंद्र। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में आज से शुरू हुए लॉकडाउन 2 की नई गाइडलाइंस हुए लागू। सूबे बिहार की नीतीश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 15 मई से बढ़ाकर 25 मई तक के लिए कर दिया है, जो कि आज से शुरू है। ऐसे में आज लॉकडाउन 2 में पिछले बार से अलग कुछ नए नियमों को शामिल किया गया है। तो आपको बताते चले कि इस बार के गाइडलाइंस में क्या कुछ शामिल है। इसके तहत 25 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ बाकी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। साथ ही इस गाइडलाइंस के अनुसार पिछले लॉकडाउन की बाकी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। वहीं इस बार लॉकडाउन 2 के दौरान शहरी इलाकों में अब खाद्य सामग्री व अनिवार्य सेवा से संबंधित दुकानें सुबह 7 से 11 के बजाय सुबह 6 बजे से सुबह के 10 बजे तक ही खुली रहेंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक है। सार्वजनिक स्थानों और रास्तों पर पैदल सहित अनावश्यक रूप से घूमने पर रोक रहेगी। वहीं सड़कों पर बेवजह गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर ₹2000 का जुर्माना आपको लग सकता है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी, केवल होम डिलीवरी की जा सकती है। इसके अलावा सभी तरह के आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं शादियों में अब 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम लागू हो गया है और बैंड बाजे की इजाजत नहीं होगी। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए पटना एम्स में 20 बेड का वार्ड तैयार। देश अभी कोरोना से उभरा नहीं है कि एक और बीमारी लोगों को दहशत मिला रही है। इसके तहत बिहार में ब्लैक फंगस के 25 मामले मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस की यह बीमारी लंबे समय से बीमार चल रहे या फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग या फिर पोस्ट कोविड मरीजों को हो रही है, यानी कि जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं और जिनमें शुगर, डायबिटीज, हार्ट संबंधी बीमारी है। इसके तहत अभी पटना एम्स में 12 मरीज भर्ती हैं। वहीं पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 20 बेड का स्पेशल वार्ड भी तैयार किया गया है। वहीं दो मरीजों का ऑपरेशन से इलाज भी किया गया है। आपको बताते चले कि ब्लैक फंगस के प्रारंभिक लक्षण में पहचान होने पर यह दवा के कुछ डोज से ठीक हो जाता है, मगर देर होने पर सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है। कोरोना ने राज्य के करीब 4000 प्ले स्कूलों पर ढाया कहर। कोरोना वायरस ने साल 2020 से ही लोगों के जीवन में एक आफत की तरह बनकर आया है, जिसका कहर अब इस साल भी जारी है। जहां एक तरफ शिक्षा, व्यवसाय आदि व्यवस्थाएं पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं, वहीं इस दौरान राज्य के प्ले स्कूलों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बिहार में 8976 प्ले स्कूलों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें से कोरोना की वजह से 2 सालों में 4352 प्ले स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 1432 स्कूल एक कमरे में शिफ्ट हो गए हैं। इससे प्ले स्कूल में पढ़ रहे बच्चे तो प्रभावित हुए ही हैं, वहीं इन प्ले स्कूलों के बंद होने से यहां के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी भी बेरोजगार हो गए हैं। बिहार के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और रोहतास समेत कई जिलों में खुले प्ले स्कूलों की यही स्थिति है और इस दौरान किड्जी, डीपीएस, जूनियर, सैमरॉक आदि फ्रेंचाइजी पर चल रहे प्ले स्कूलों की स्थिति भी बहुत दयनीय हो चुकी है। राज्य में पारा बढ़ने के साथ अब सताएगी गर्मी। सूबे में बीते कुछ दिनों से आंधी पानी के साथ ठंडी तेज हवा बहने से लोगों को गर्मी से निजात मिली थी, मगर अब इस राहत के बाद एक बार फिर गर्मी सताने लगी है और मौसम शुष्क बन गया है। मौसम विभाग के न्यूमेरिकल मॉडल के प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में आने वाले अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि 1-2 स्थानों पर तापमान सामान्य से थोड़ा कम दर्ज हो सकता है। बीते कल से ही तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस राजधानी पटना में दर्ज किया गया। लालू यादव की बेटी रोहिणी ने कंगना रनौत पर किया जुबानी आक्रमण। राजा सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वे अक्सर ही अपने पिता व भाई तेजस्वी यादव के समर्थन में आवाज उठाती रहती हैं, मगर इस बार रोहिणी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सोशल मीडिया पर कंगना के खिलाफ पोस्ट किया है। दरअसल कंगना के उस बयान के जवाब में रोहिणी ने पोस्ट किया है, जिसमें कंगना ने गंगा में तैरती लाशों के वीडियो को भारत के बाहर का बताया था। इसी पर रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कंगना दिमाग से पूरी तरह पैदल हो गई हैं, वो मानवता का गला घोट रही हैं, गंगा में तैरती लाशों को नाइजीरिया का बता रही हैं। ऐसा करके कंगना फकीरा की छवि को बचाना चाह रही हैं। वो तो फर्जी झांसी की रानी भी बन जाती है, कंगना को तो जेल भेज देना चाहिए।
अब फोन पर नीतीश कुमार समझाएंगे कोरोना गाइडलाइंस। अगर आपको किसी अनजान नंबर से फोन आए और उठाते हुए सुनने को मिले कि यह कॉल सीएम नीतीश कुमार की तरफ से है तो घबराए नहीं। कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने फोन को जरिया बनाया है ताकि घरों में बंद लोग फोन के जरिए गाइडलाइंस के नियमों को जान सके और उसका पालन करके कोरोना को मात देने में अपनी भूमिका निभाए। हालांकि यह संदेश सीएम नीतीश कुमार के द्वारा रिकॉर्डेड है जो कि केवल रजिस्टर्ड नंबरों के जरिए ही कॉल के जरिए जाएंगे। इसके जरिए राज्य में कोरोना के घटते मामले और बढ़ते रिकवरी रेट के बारे में बताकर लोगों को सकारात्मक रहने और कोरोना नियमों का पालन करने को कहा जा रहा है। साथ ही लोगों से टीका लगवाने की अपील भी की जा रही है। कोरोना काल में कम कीमत पर दवा उपलब्ध करा रही है जन औषधि केंद्र। राज्य में कई जरूरी दवाओं सहित मेडिकल उपकरण की कमी और बढ़े दाम से लोगों को राहत देने के जन औषधि केंद्र काफी मददगार साबित हुई है। ये जन औषधि केंद्र पीएम मोदी की योजना है जिसके तहत लोगों को महंगी दवा की जगह उसी फॉर्मूले पर आधारित दवा को सस्ता कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें गरीब वर्ग जो महंगी दवा खरीद पाने में सक्षम नहीं थे उन्हें लाभ हो रहा है। इसके लिए बिहार के हर जिले में एक एक केंद्र चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इसको लेकर लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी लेकिन महामारी के इस दौर में अब जन औषधि केंद्र में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है और लोग लगभग सभी जरूरी दवा रियायती दरों पर मिलने से काफी संतुष्ट हैं। एम्बुलेंस के एक और मामले में अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की हो रही किरकिरी। बिहार में एम्बुलेंस की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। जहां पहले सारण से भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी घिरे थे वहीं अब बक्सर से भाजपा के ही सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी एम्बुलेंस के मामले में घिर रहे हैं। इसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर एक ही एम्बुलेंस का 4 बार उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि 3 बार उद्घाटन करने के बाद एक भी एम्बुलेंस नहीं चली। आपको बताते चले कि यह मसला सबसे पहले बक्सर सदर के कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने उठाया था जब शनिवार को अश्विनी चौबे द्वारा विश्वामित्र चलंत अस्पताल के उद्घाटन पर एक संवाददाता सम्मेलन में संजय तिवारी ने भाजपा पर एम्बुलेंस की चोरी का आरोप लगाते हुए एक ही एम्बुलेंस के कलेवर को बदलते हुए 4 बार उद्घाटन करने की बात कही थी। पटना हाईकोर्ट ने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने के दिए निर्देश। बिहार में कोरोना मामले पर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल करते हुए सूबे में रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में इजाफा होने के बारे में पूछा था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि ICMR गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में स्कूल कॉलेज कम्युनिटी संस्थानों में 24/7 काम करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट की कितनी बूथे हैं। जिसके बाद इस सिलसिले में 17 मई को अगले सुनवाई में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। साथ ही बूथों की संख्या बढ़ाने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य टिप्पणी में पटना हाईकोर्ट ने सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरतमंदों को समय पर उपचार न दे पाने को सरकार द्वारा लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना बताया है। राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने 2 कोविड-19 सेंटर को लिया गोद। कोविड-19 के माहौल में अलग अलग पार्टियों से मदद के हाथ सामने आए हैं। इस क्रम में राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने भी 2 कोविड-19 सेंटरों को गोद में लेने का काम लिया है। इसके बाद से वह लगातार मरीजों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वह इस बाबत ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान राजद विधायक प्रेम शंकर यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस जनता ने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर सदन तक पहुंचाया है। इनकी बदौलत ही मैं विधायक बना और उस जनता को पहला अधिकार मिलना चाहिए। विकट समय में जनता की मदद करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी मामले में आपस में बट गई महागठबंध। जा प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही जहां एक तरफ उनके समर्थक उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। सियासी महकमे में भी विपक्षी पार्टी 2 गुट में बट चले हैं। राज्य में महागठबंधन में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित तमाम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल भाकपा माले और कांग्रेस पार्टी खुलकर पप्पू यादव के पक्ष में अपना दे रही हैं। इस क्रम में भाकपा माले ने तो बीते दिन शनिवार को गिरफ्तारी के विरोध में राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रतिवाद दिवस भी मना गया। हालांकि इस मामले में आरजेडी की चुप्पी क्यों है इसे लेकर महागठबंधन की अन्य पार्टियों ने अब तक कुछ नहीं कहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने DMCH की बदहाली पर साधा निशाना। मिथिला क्षेत्र में बसे जिलों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले दरभंगा स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल खुद अपनी बदहाल व्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। इसके जर्जर भवन व नवीन सुविधाओं के इंतजार में लंबे अरसे से यहां के प्रशासन और लोग इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक निजी चैनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दरभंगा सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भवन की स्थिति पर प्रसारित कहानी काफी ही चौंकाने वाली और निंदनीय है। वहीं नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए उन्होंने लिखा कि 15 साल से अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान क्या उन्होंने कभी भी दरभंगा जाकर DMCH के हालात को जानने का प्रयास किया है और क्या उन्हें अस्पताल के हाल के बारे में पता भी है। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर सबकी निगाहें DMCH की स्थिति पर चली गई है।
युजवेंद्र चहल ने पोस्ट शेयर कर बताया अपना दर्द। टीम इंडिया के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के जीवन में इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। दरअसल उनके माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और गंभीर हालात में भर्ती है। इस बात की जानकारी पहले चहल की पत्नी धनाश्री वर्मा ने दी थी कि उनका परिवार भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अब चहल ने भी इमोशनल पोस्ट कर अपने फैंस को अपने दुख को शेयर किया है। वहीं अब चहल ने भी एक इमोशनल पोस्ट करके अपने दुख को अपने फैंस के साथ शेयर किया है। चहल ने अपने परिवार की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और कैप्शन में लिखा कि अपने करीबी लोगों को पास रखें। इसके साथ दिल की इमोजी को भी शेयर किया है, जिसके बाद से फैंस उन्हें सांत्वना देने के साथ ही उनके माता पिता के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। देश भर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हारे जिंदगी की जंग। देश भर में कोरोना के औसत मामले में थोड़ी कमी जरूर आई है, वहीं मौत के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,11,170 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 4,077 मरीजों की जान चली गई है। वहीं 3,62,437 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस देश भर में 36,18,458 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में कुल 7,336 नए कोरोना के मामले आए हैं। वहीं इस दौरान 14,340 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 82,486 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 86.63% हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बेरोजगार हो चुके प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।